अयोध्या के राम मंदिर में बनेगा संग्रहालय, अलग अलग भाषाओं की राम कथा और साहित्य को मिलेगा स्थान। केदारनाथ धाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, तीर्थ यात्रियों की राह आसान बनाने के लिए व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है प्रशासन। तपोस्थली के रूप में विकसित होगा अलवर में स्थित भर्तृहरि धाम, राजस्थान सरकार ने मंजूर किया बजट। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नल नील और अंगद टीले का भी होगा जीर्णोद्धार, विकसित की जाएगी हरियाली। अयोध्या के राम मंदिर को और भव्य बनाने का काम जारी है। मंदिर की दूसरी मंजिल पर एक विराट म्यूजियम बनाया जाएगा, जहां देश दुनिया से भगवान श्री राम के बारे में लिखी गई अलग अलग भाषाओं की पुस्तकों को रखा जाएगा। इसमें मुख्य रूप से श्री राम की कथाएं और उनके जीवन से जुड़ा साहित्य होगा। इसके अलावा पहली मंजिल पर राम दरबार बनाया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर भगवान राम का गर्भगृह है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। दूसरे चरण की केदारनाथ धाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पैदल मार्ग से धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। पैदल यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था शुरू कर दी है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड समेत दूसरे पैदल यात्रा मार्ग की जाँच की जा रही है, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। नेशनल हाईवे से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ ही रास्ते में हर समय जेसीबी मशीन के साथ जवानों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। राजस्थान में अलवर के भर्तृहरि धाम को तपोस्थली के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान कर इसके लिए बजट को भी मंजूरी दे दी है। भर्तृहरि धाम को सरिस्का टाइगर रिजर्व से भी बड़ा बनाया जाएगा और यहां हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार के इस फैसले से श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी खुश हैं। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के अलावा अलग अलग स्थानों को विकसित करने की योजना पर तेजी के साथ काम चल रहा है। इसके तहत परिसर में नल और नील के साथ साथ अंगद टीले के जीर्णोद्धार के लिए भी योजना बनाई जा रही है। ये तीनों स्थान मंदिर परिसर के निकास द्वार के पास हैं। इसीलिए यहाँ हरियाली विकसित कर श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर के लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में निर्माण का काम चल रहा है और 40 एकड़ में लैंडस्केपिंग का काम किया जाएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लड्डू की बढ़ती मांग को देखते हुए लड्डू की एक विशेष एटीएम मशीन लगाई जाएगी। श्रद्धालु इसमें पैसा डालकर अपनी इच्छा के अनुसार बाबा महाकाल का लड्डू प्रसाद ले सकेंगे। इससे श्रद्धालुओं के साथ साथ महाकाल मंदिर के सेवादारों को भी आसानी होगी। इस मशीन को सभी 8 प्रसादी काउंटर पर लगाया जाएगा। खास बात यह है कि अब मंदिर बंद होने पर भी श्रद्धालुओं को प्रसाद के लिए मंदिर खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बरसाना समेत पूरे ब्रिज में हर्ष और उल्लास के साथ राधाष्टमी का पर्व मनाया गया। बरसाना में बुधवार को श्री राधा रानी का जन्म अभिषेक ब्रह्म मुहूर्त में विधि पूर्वक संपन्न हुआ। बरसाना के श्रीजी मंदिर में पुजारियों ने 1 घंटे तक राधा रानी के विग्रह का 11 क्विंटल पंचामृत से अभिषेक किया। देश विदेश से आए लाखों भक्तों ने महाअभिषेक के दर्शन किए। सभी भक्तजन राधा रानी जी के जन्म की खुशी में झूमते नजर आए और मंदिर परिसर वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा।